बिसमीम फिजिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज हम 16.8 ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे उसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है ठीक है तो ट्रांसफार्मर बेसिकली जो वर्क करता है वो मूशल इंडक्शन पर करता है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक कॉल से हम अल्टरनेटिंग करंट को पास करते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको जब हम किसी दूसरी कोयल के पास लेकर जाए तो उसके जरिए हम उस कॉयल के अंदर जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो है उस कॉल के अंदर हम करंट पैदा कर सकते हैं ठीक है और बेसिकली ये करंट जो है ये वोल्टेज को चेंज करने के लिए पोटेंशियल डिफ्रेंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है और इस काम के लिए जो बेसिकली आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं वो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं तो ट्रांसफार्मर को इन्होंने बताया ट्रांसफार्मर इज़ अ अस्टेटिक मशीन एक मशीन है जो कहीं भी लगी होती है यूज फॉर ट्रांसफार्मिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी इसके ज़रिए हम पावर को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं और ज़्यादातर तो ये पॉइंट बहुत दूर होता है लेकिन इससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है चेंज नहीं करते वो हमारी लॉस नहीं होती ट्रांसफार्मर्स ऑपरेट बेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करते हैं इट ऑपरेट्स ऑन एसी सप्लाई ये याद रखें कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो सिर्फ एसी सप्लाई पर हो सकता है अगर हम इस कॉइल से डायरेक्ट करंट को गुजारें तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अल्टरनेटिंग नहीं होगी और ये याद रखें कि जब तक मैग्नेटिकील्ड अल्टर ना हो जैसा कि हम इलेक्ट्रोमैगटिका नहीं कर सकते ए सी से फायदा यह होता है चूंकि वो अल्टरनेट हो रहा होता है करंट उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेट हो रही होती है वही मैगनेटिक फील्ड जब दूसरे कोयल में आती है ठीक है तो उसकी वजह से वो उसके अंदर करंट पैदा होता है तो बेसिकली ट्रांसफार्मर uh, जो है वो एसी सप्लाई पर काम करता है डीसी सप्लाई पर काम नहीं कर सकता इट कंसिस्ट ऑफ टू जैसा कि आपने देखा है दो कॉयल्स होती हैं, तो इसी तरह ट्रांसफार्मर भी दो कॉइल्स पर काम करता है विच आर मैग्नेटिकली लिंक्ड टू ईच अदर बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड अच्छा जैसे ये कॉयल्स हैं इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड ज़ाय भी होती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक में लॉस भी होता है पावर लॉस भी होता है तो उसको आइसोलेट किया जाता है ट्रांसफार्मर में और ख़ास तरीके से आइसोलेट किया जाता है जिसकी वजह से वो कहना चाहिए कि करंट जो है वो करंट का लॉस नहीं होता ठीक है पावर का लॉस नहीं होता तो यही चीज यहाँ बताई गई है आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड अदर ऑल दो रैप्ड अराउंड द सेम आयरन कोर मेकअप अ ट्रांसफार्मर बहरहाल आयरन कोर के साथ साथ कुछ इंसुलेटर भी यूज किया जाता है जिससे जो करंट है वो एक दूसरी कहना चाहिए कंडक्टर में नहीं जाता एक दूसरी कॉयल में नहीं जाता प्राइमरी कॉयल इज द फर्स्ट ऑफ टू कॉयल्स प्राइमरी कॉल बेसिकली है असल कॉयल होती है इन द सिस्टम कनेक्टेड टू ए इनपुट पावर जिस पर ए आ रहा होता है जैसे कि हमने यहां से देखा है कि प्राइमरी कॉयल में करंट आ रहा है ठीक है अच्छा ये इसी इनपुट पावर से कनेक्ट होता है द सेकेंडरी कायल इज द अदर कायल विच डिलीवर्स द पावर टू द आउटपुट सर्किट ठीक है और दूसरी कोयल जो ट्रांसफार्मर में यूज हो रही होती है मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए इसको समझ सकें ठीक है ट्रांसफार्मर्स की वैसे तो बेसिकली हम बहुत तस्वीर देखते हैं बहुत शक्लें हमने देखी हैं उसकी लगे होते हैं हमारे एरियाज में ठीक है तो उनमें ये कायल्स ही बेसिकली यूज़ हो रहे हैं अच्छा द सेकेंडरी कोयल इज द अदर डिलीवर्स द पावर टू द आउटपुट सर्किट ठीक है अच्छा एन पी एंड एन एस स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्न ये बेसिकली मकसद है हमारा बताने का कि प्राइमरी कॉयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स कॉयल के आते हैं वो एनपी कहलाएंगे और एनएस जो है वो सेकेंडरी कोयल के अंदर जो है आ, जो टर्न्स होते हैं वो कहलाते है. अच्छा अब करंट पासिंग थ्रो द प्राइमरी मैग्नेटिक फील्डेड टू द सेकेंडरी कोर जब प्राइमरी कॉयल में करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ठीक है वो ट्रांसमिट होती है सेकेंडरी कोयल में देंज इन द फील्ड काज एन अल्टरनेटिंग ई एम एफ या अल्टरनेटिंग करंट कह लें आप तो ये जो मैगनेटिक फील्ड चेंज हो रही है प्राइमरी कॉयल में वो सेकेंडरी कोयल में

अब मेन बात है असल में होता क्या है कि जब हमें एक पोटेंशियल मिला हो पर, जैसे यहाँ टर्न्स आप देख रहे हैं कम है ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा हो यहां से इनपुट हो रहा है ये प्राइमरी कॉयल है यहाँ टर्न्स कम है और यहाँ टर्न्स ज्यादा है तो जब ये करंट इससे इसमें आएगा करंट तो नहीं आएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होंगी की वजह से यहाँ करंट आएगा सेकेंडरी कोयल में तो उसमें आप देख रहे हैं टर्न ज्यादा हैं है, ठीक है तो इन टर्न्स की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा पैदा होगा अगर आप गौर करें तो आपके जो एरियाज हैं जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर दूर से आ रहे होते हैं उनके अंदर पता नहीं चार हजार चार सौ कितना वॉल्ट बहुत ज़्यादा वाल्ट आ रहा होता है लेकिन वो आखिर में आपके एरिए के ट्रांसफार्मर से ट्रांसफ़र होकर आपके पास 220 वोल्ट 220 वॉल्ट वॉल्ट आ रहा होता है तो उसकी वजह असल में यही होती है कि जब वो पै, उसको वो बना के छोड़ा जाता है कहना चाहिए कि जहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही होती है तो वहां ये वाला ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है उसमें प्राइमरी कोयल में जो है वो टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी कोयल में टर्न ज्यादा होते हैं तो इसमें वोल्टेज ऊपर चला जाता है बहुत हाई हो जाता है और उस हाई होने की वजह से वो दूर के कहना चाहिए डिस्टेंसेस को कवर करके दूसरी जगह पहुंचने में उसके लिए आसानी होती है तो ये ट्रांसफार्मर जो बेसिकली जहां इलेक्ट्रिक पैदा हो रही होती है बिजली पैदा हो रही होती है वहां जो लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है वहां प्राइमरी कोयल में जो है वो टर्न्स कम होती हैं सेकेंडरी कोयल में ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से हम कम वोल्टेज देकर ज्यादा वोल्टेज पैदा करके उसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं या तो इन्होंने 110 टन और वन ट्वेंटी और टू ट्वेंटी की मिसाल दी है ठीक है तो हम बेशक यही मिसाल ले लें तो उसमें फर्क यही है कि हम कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज ले रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी कोयल में टर्न ज्यादा हैं यह कहलाता है ये कहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर फिर जब वो जब बहुत हाई वोल्टेज हमारे घरों तक आता है तो घर के करीब एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी कोयल के अंदर जो है वो टर्न ज़्यादा होती हैं सेकेंडरी कोयल में कम होती हैं तो फिर वो चार हजार चार सौ वॉल्ट को जो है वो दो सौ बीस वॉल्ट लेकर आया जाता है और हमारे घर में जितनी ज़रूरत होती है उतनी वोल्ट को प्रोवाइड करता है या इन्होंने टू ट्वेंटी या वन टेन की मिसाल दी आप इस मिसाल को भी अगर ले लें तो इसमें कुछ गलत नहीं है यही चीज यहाँ पे बताइए एक तो सेकेंडरी वोल्टेज प्रो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी वोल्टेज के बाकी नंबर ऑफ टर्न्स भी दोनों क्वाइज को अफेक्ट करती हैं जिसकी ज्यादा होगी ठीक है वहां वोल्टेज ज्यादा होगा जिसकी कम होगी वहां वोल्टेज कम होगा ठीक है अच्छा क्वाइज में नंबर ऑफ टर्न्स भी वो करते हैं एज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यहाँ आप देखें

ज्यादा होगा द ट्रांसफॉर्मर इज रिफर्ड टू एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ द सेकेंडरी वोल्टेज एक्सीड्स द प्राइमरी वोल्टेज ये मैं आपको बता चुका हूं कि सेकेंडरी कोयल में अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो ये कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर मीनस कि उसमें सेकेंडरी कोयल में टर्न ज्यादा है और स्टेप डाउन में क्या होगा स्टेप डाउन में प्राइमरी जो कॉयल है उसमें जो है आपका टर्न ज्यादा होंगे लिहाजा उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी

इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं पावर ऑफ प्राइमरी कोयल इज़ एक मीन्स कि वहाँ वी आई दोनों जगह जो है वो ज़ाहिर नहीं हो रहा अब आगे रोल बताया है ट्रांसफार्मर कैन पावर ट्रांसमिशन इसको मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ठीक है बेसिकली पावर ट्रांसमिशन में जो ट्रांसफार्मर का, का काम होता है वो यही होता है ये नीचे तस्वीर भी दी है ये कहीं इलेक्ट्रिक बन रही है तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर हो यूज़ हो रहा है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है वो हाई वोल्टेज पैदा कर देता है जिससे बहुत दूर दूर तक भी जो है बिजली पहुंच जाती है फिर आपके घर के करीब एक और ट्रांसफार्मर लगा होता है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को नीचे करके आपके घर में पहुंचाता है जैसे आपको उसकी जरूरत होती है ठीक है तो यहाँ जो इन्होंने ये सारा बताया बेसिकली यही चीज बताई है ठीक है और यहाँ पावर लॉस भी कम होता है क्योंकि जब वोल्टेज ज्यादा होता है रास्ते में पावर लॉस भी कम होता है क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से करंट कम होता है और जब करंट कम होता है तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो करंट के कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी कम होता है लिहाजा वॉल्फ क्या नाम है अपना पावर लॉस या इलेक्ट्रिकल लॉस या एनर्जी लॉस रास्ते में बहुत कम होता है ठीक है बेसिकली तो ये वर्किंग है ट्रांसफार्मर की हमारी डेली लाइफ में और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ ये इस्तेमाल हो रहा था स्टेबलाइजर को अगर हम देखें तो स्टेबलाइजर में ज़्यादातर ऐसा होता है कम वोल्टेज आ रहा होता है ठीक है उसके उसके अंदर जो यूज़ हो रही होती है कॉल्स उनकी मदद से हम उसके जो वोल्टेज है उसको अपने कंट्रोल में करते हैं और जितना अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा हो तो हम कम वोल्टेज उसको कर सकते हैं और अगर कम वोल्टेज आ रहा हो तो उसको ज़्यादा करके कर हम यूज़ कर सकते हैं स्टेबलाइजर में बैटरी चार्जर बेसिकली वो भी इसी तरह इस्तेमाल होता है बैटरी चार्जर को जो है <coughs> इसका आप मोबाइल चार्जर भी कह सकते हैं ठीक है बेसिकली उसको 220 मिल रहा होता है लेकिन वो आपके लिए जो है उसको 5 वॉल्ट या 9 वॉल्ट या 12 वॉल्ट में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी बैटरी को आपके मोबाइल को आपकी टॉर्च वगैरह को किसी भी चीज को सर्किट ब्रेकर भी जो है वो इसी तौर पर इस्तेमाल होते हैं ठीक है सर्किट ब्रेकर्स विद इंटीग्रेटेड कैन प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम हाई वोल्टेज ठीक है जब हाई वोल्टेज होता है तो वो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं बाय बाई अस टू मैनुअली स्विच ऑन एंड ऑफ पावर ठीक है तो उनका असल काम यही होता है कि जब हाई वोल्टेज आए उसके नुकसान से बचाने के लिए जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं एयर कंडीशनर्स में भी बेसिकली यही चीज इस्तेमाल हो रही होती है वहाँ आपको हाई वोल्टेज चाहिए होता है ठीक है तो लो वोल्टेज जो आपका 220 आ रहा है अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए हो तो उसके अंदर बेसिकली ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है जो आपके वोल्टेज को जो है ए को ज़्यादा बना के देता है और उसमें करंट की मकदार को जो है कम करता है जिससे रेजिस्टेंस कम होता है और आपका जो ए है वो ज़्यादा से चलता है तो ये थे आज की हमारी कहना चाहिए यूनिट सिक्सटीन का आलमोस्ट लास्ट टॉपिक जो कि ट्रांसफॉर्मर्स पर था, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह या तो यूनिट 17 को स्टार्ट करेंगे या नहीं यूनिट 16 के हम सीक्यूज और नॉर्मल के सॉल्व करेंगे, वर्क एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु